Welcome to the class of financial management. Our ongoing topic is capital structure, and the subtopic for today is capital structure theories. This is one of the very important subtopic from the examination point of view. So let's discuss. So first of all, what are capital structure theories? Theories aap kehte hain siddhanton ko. Siddhanton ko aap theories kehte hain. तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज कौन सी हैं जो कि रिलेशनशिप बताती हैं, जो संबंध एक्सप्लेन करती हैं बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में जो संबंधों को एक्सप्लेन करती हैं, ऐसी थ्योरीज को आप कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज कहते हैं। किन दो चीजों के बीच में संबंध बताती हैं? बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। अब अगर हम देखें तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं उनको लेकर कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। मैम, कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस क्या होता है? कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस का मतलब है विरोधी राय। विरोधी राय कि एक ग्रुप ऑफ पर्संस जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में एक अलग राय रखता है और जो दूसरा ग्रुप है वो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में एक डिफरेंट ओपिनियन रखता है। किस बारे में? कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हैं उसका फर्म की जो वैल्यू है उसके ऊपर असर पड़ता है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो दूसरा व्यू पॉइंट है, जो दूसरा ग्रुप है, वो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो यहाँ पर विरोधी राय है। दो व्यू पॉइंट्स हैं, देयर आर टू व्यू पॉइंट्स, फर्स्ट व्यू पॉइंट एंड सेकंड व्यू पॉइंट। पहला दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण। अब पहला दृष्टिकोण क्या कहता है? पहले दृष्टिकोण के मुताबिक जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कि आपको कितना डेट यूज करना है और कितना इक्विटी यूज करना है। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, इस बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन किसे कहते हैं? कि आपको डेट और इक्विटी के बीच में कितनी रेशियो रखनी है। सो जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है, जो पहला दृष्टिकोण है, वो ये कहता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हैं और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसके बीच में संबंध है, उसके बीच में रिलेशनशिप है। देयर एग्जिस्ट्स अ रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप है कि अगर आप डेट और इक्विटी की रेशियो में कुछ बदलाव करते हैं तो उसका असर फर्म की वैल्यू के ऊपर पड़ता है। ये पहला दृष्टिकोण है। और जो दूसरा दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन चाहे जितने मर्जी ले लें, आप डेट और इक्विटी के बीच में रेशो बढ़ाएं या कम करें या जो मर्जी करें, इसका असर, इसका प्रभाव फर्म की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ता। तो जो पहला दृष्टिकोण है वो कहता है कि संबंध है, और जो दूसरा दृष्टिकोण है वो कहता है कि संबंध नहीं है। यहाँ पर ये दृष्टिकोण जो है वो कहता है कि इन दोनों के बीच में संबंध नहीं है। किन दो चीजों के बीच में संबंध नहीं है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म की वैल्यू में और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में संबंध है, और पहला दृष्टिकोण कहता है, दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि संबंध नहीं है। देखें जल्दी से क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। दोबारा से इंट्रोडक्शन करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज ऐसे सिद्धांत होते हैं जो कि संबंध बताते हैं किन दो चीजों के बीच में, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में संबंधों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर विरोधी राय है। जो एक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में संबंध है, और जो दूसरा दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आप चाहे जो मर्जी ले लें,
लेकिन इसका प्रभाव फर्म की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ता है। आइए देखें कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज कौन कौन सी हैं। हमारे पास ऐसे चार सिद्धांत हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज नेट इनकम अप्रोच, द सेकेंड वन इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, द थर्ड वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द लास्ट वन इज मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। आप नेट इनकम अप्रोच को NI अप्रोच भी कहते हैं, NI अप्रोच इन शॉर्ट। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को आप NOI अप्रोच भी कहते हैं एंड मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच को आप शॉर्ट में कहते हैं MM अप्रोच। सो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर दो विरोधी राय हैं। एक राय कहती है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है। सो ये दो थ्योरीज जो हैं, ये वाली दो, दीज टू, ये दो थ्योरीज जो हैं, ये कहती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वैल्यू ऑफ द फर्म में रिलेशनशिप है। ये दो थ्योरीज संबंध को एस्टेब्लिश करती हैं। लेकिन जो नेट इनकम अप्रोच और मॉडिग्लियानी अप्रोच है, ये दो अप्रोचेस ऐसी हैं जो कहती हैं कि रिलेशनशिप नहीं है। किसमें रिलेशनशिप नहीं है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एंड वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। दो थ्योरीज इस संबंध को बताती हैं और जो बाकी दो थ्योरीज हैं वो इस संबंध के बीच में, इस संबंध को रूल आउट करती हैं कि इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। दो रेलिवेंस थ्योरीज हैं और दो इररेलिवेंस थ्योरीज हैं। ठीक है जी, आप इन्हें कहते हैं नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को आप कहते हैं रेलिवेंस थ्योरीज, रेलिवेंस थ्योरीज। दीज आर द रेलिवेंस थ्योरीज एंड दीज आर द इररेलिवेंस थ्योरीज। एक-एक करके इन थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थ्योरी इज नेट इनकम अप्रोच, जिसे आप NI अप्रोच भी कहते हैं। सो NI अप्रोच के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? दैट इट इज अ रेलिवेंस थ्योरी। रेलिवेंस थ्योरी कौन सी है? कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस का जो प्रभाव है वो फर्म की वैल्यू पर पड़ेगा। दिस इज रेलिवेंस थ्योरी। सो अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज को चेंज करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? डेट और इक्विटी के बीच में जो रेशियो होती है उसे आप फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। सो NI अप्रोच क्या कहती है कि अगर आप डेट इक्विटी के बीच की जो रेशो है उसको चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव फर्म की वैल्यू पर पड़ेगा और साथ ही साथ उसका प्रभाव ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी पड़ेगा। अब जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसे आप डिनोट करते हैं के ओ से। दिस इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट की वीडियोज में। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे बनती है? जितने भी आप फंड्स यूज कर रहे हैं, अगर आप डेट यूज कर रहे हैं तो डेट के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन अगर आप इक्विटी यूज कर रहे हैं तो इक्विटी के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहती है? डिविडेंड इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास आती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो जितने भी आप फंड्स को यूज कर रहे हैं, फंड्स को यूज करने की जो कॉस्ट है उसे आप कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो नेट इनकम अप्रोच क्या एस्टेब्लिश करती है? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। ये अप्रोच कहती है कि अगर आप डेट और इक्विटी की रेशो को चेंज करते हैं तो इसका प्रभाव ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी पड़ता है और साथ ही साथ फर्म की वैल्यू पर भी पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से
अगर आप डेट और इक्विटी की रेशियो को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, अगर आप डेट इक्विटी की रेशियो को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर आप डेट या ज्यादा यूज करते हैं, अगर आप डेट ज्यादा यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेट यूज कर रहे हैं 60 और इक्विटी यूज कर रहे हैं 40, अगर आप डेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या होगा? जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम क्यों होगी? क्योंकि जो डेट होता है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, डेट सस्ता होता है इक्विटी से। कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिविडेंड के रेट से कम रहता है। सो अगर आप ज्यादा डेट यूज करते हैं इक्विटी के मुकाबले, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो डेट है वो सस्ता पड़ता है आपको इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन हो जाएगी। जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, वहां पर जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, वैल्यू ऑफ द फर्म वो इंक्रीज कर जाएगी। जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ेगी और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर आप दूसरी बात करें, दिस इज द फर्स्ट थिंग, अगर आप डेट का इस्तेमाल कम रखते हैं, अगर आप ये रेशो कम रखते हैं, अगर आप ये रेशो कम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30% डेट यूज कर रहे हैं और सिर्फ 70% इक्विटी यूज कर रहे हैं, आप डेट का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो वहां पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आप महंगा सोर्स ऑफ फंड्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप इक्विटी को ज्यादा यूज कर रहे हैं और जो इक्विटी है वो महंगी होती है डेट से। सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़े और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाए, तो आप कोशिश करेंगे कि आप कम से कम इक्विटी का इस्तेमाल करें और डेट का इस्तेमाल भरपूर करें। सो अगर एक फर्म जो है वो चाहती है कि उसकी उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो न्यूनतम रहे, उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम रहे और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ जाए, तो वहां पर उसे चाहिए कि वो डेट का इस्तेमाल अधिक से अधिक करे, अधिकतम अधिकतम हद तक डेट का इस्तेमाल करें। अ फर्म कैन रीच ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, बेस्ट सर्वोत्तम, जो सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जहां पे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे कम होती है और आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जहां पर आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे कम होती है और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे अधिक होती है, ऐसे लेवल को आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। सो जो नेट इनकम अप्रोच है वो कहती है कि अगर आप डेट और इक्विटी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें तो आप सर्वोत्तम कैपिटल स्ट्रक्चर पा सकते हैं। एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पर जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो अधिकतम हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो न्यूनतम हो। आइए देखते हैं कि नेट इनकम अप्रोच के अंडर आपका जो ग्राफ है वो कैसा दिखता है। दिस इज वाई एक्सिस,
एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहां पर प्लॉट करेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड हियर वी हैव डिग्री ऑफ लीवरेज। व्हाट इज डिग्री ऑफ लीवरेज? कि आप डेट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या कम, उसे आप कहेंगे डिग्री ऑफ लीवरेज। यहां पर डेट का इस्तेमाल कम है और इस पॉइंट पर डेट का इस्तेमाल अधिक है, अधिक डेट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ती जाएगी। तो अब हमें क्या देखना है कि जैसे ही आप डेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब आप डेट बढ़ाएंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट तो सेम रहेगा। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? इंटरेस्ट। जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो सेम रहेगा। आप यहां पर स्टैंड कर रहे हैं या फिर आगे स्टैंड कर रहे हैं, आप चाहे 60-40 की रेशो ले रहे हैं या 70-30 की रेशो ले रहे हैं, आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? के डी, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट, के डी इज कॉस्ट ऑफ डेट। आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो सेम रहेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिनोट करती है जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो चेंज नहीं हो रहा। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी एट एनी लेवल ऑफ लीवरेज। आप डेट का इस्तेमाल अधिक करें या कम करें, आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी सेम रहेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? डिविडेंड इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो डेट का इस्तेमाल चाहे आप अधिक कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी कॉन्स्टेंट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कॉन्स्टेंट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप डेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कम होता चला जाएगा। एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? के ओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे जैसे आपका जो लीवरेज है वो बढ़ेगा, आप डेट का अमाउंट आप ज्यादा करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होता चला जाएगा। देखिए, जहां पर डेट कम है वहां पर कॉस्ट ज्यादा है, और जहां पर डेट ज्यादा है वहां पर कॉस्ट कम है। सो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है? कि जितना अधिक आप डेट का इस्तेमाल करेंगे उतना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होती चली जाएगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने के साथ साथ जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ती चली जाएगी। आवर सेकंड थ्योरी इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच। और एनओआई अप्रोच कौन सी कैटेगरी में आती है? इट कम्स अंडर इररेलेवेंस थ्योरी। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इररेलेवेंस थ्योरी। ये एक इररेलेवेंस थ्योरी है, और इररेलेवेंस थ्योरी क्या कहती है? कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस चाहे कुछ भी ले लें, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच, जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है दैट इज इररेलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। आप कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लें उसका प्रभाव फर्म की वैल्यू पर नहीं पड़ता है। Any change in the capital structure of the company does not affect the market value of the firm and overall cost of capital remains constant. तो ये theory क्या कहती है? कि आप capital structure decisions चाहे कुछ भी रखें, चाहे आप 50-50 की ratio रखें debt equity में, या फिर 60-40 की ratio रखें, या फिर 30-70 की ratio रखें, आप debt equity ratio चाहे कुछ भी रखें, इसका असर मार्केट वैल्यू पर नहीं पड़ेगा। डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, और ना ही इसका इम्पैक्ट कंपनी की कॉस्ट पर पड़ेगा। कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट विल ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट। अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को किससे डिनोट करते हैं? के ई से।
कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ जाती है जब आप फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज को बढ़ाने का मतलब क्या है कि जब आप डेट और इक्विटी के बीच की जो रेशो है उसे आप इंक्रीज कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट रिमेन्स स्टेगनेंट, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कॉस्ट ऑफ डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कॉन्स्टेंट रहा, लेकिन जैसे जैसे आप डेट का इस्तेमाल अधिक करते हैं वैसे ही जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिस्क हो जाता है, वो रिस्की पोजिशन पर पहुंच जाते हैं। इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो फायदा आपको इस फाइनेंस से मिलता है, जो फायदा आपको कम कॉस्ट ऑफ डेट से मिलता है, उसका फायदा बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटीज के साथ ऑफसेट हो जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, जिस वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है जी, अगेन जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लेकिन जैसे जैसे आप जो डेट है उसको इंक्रीज करते जाते हैं फर्म में, उसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रिस्क बढ़ता जाता है, जिस वजह से वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इंक्रीज कर देते हैं, और जो आपको सस्ते सोर्स ऑफ फंड से बेनिफिट मिल रहा होता है उसका असर बढ़ती हुई इक्विटी की कॉस्ट के साथ ऑफसेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिस वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कॉन्स्टेंट रहती है। देखिए यहाँ मेंशन्ड है ये पॉइंट, क्या पॉइंट, कि जो आपको सस्ते सोर्स ऑफ फंड से जो बेनिफिट मिल रहा होता है, चीपर सोर्स ऑफ फंड से जो आपको एडवांटेज मिल रहा होता है, दैट इज डेट, डेट को इस्तेमाल करने से आपको जो बेनिफिट मिल रहा होता है उसका जो प्रभाव है वो बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ कट जाता है, ऑफसेट हो जाता है, जिस वजह से आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसे आप KO कहते हैं, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होने, ना कम होता है ना बढ़ता है, वो कॉन्स्टेंट रह जाता है, और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है जिसे आप V से डिनोट करते हैं वो भी सेम रहती है, कॉन्स्टेंट मीन्स सेम, वो सेम रहती है। इसीलिए जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो कहती है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस ले रहे हैं तो उसका प्रभाव ना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर पड़ता है और उसका प्रभाव ना ही फर्म की वैल्यू पर पड़ता है। सो दिस इज NOI अप्रोचेस कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट थ्योरी। देखें इसका ग्राफ कैसे बनेगा। This is x-axis, y-axis, and point of origin. Here we have cost of capital. Here we have degree of leverage. And degree of leverage का मतलब क्या है? आप debt का proportion कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर आप कम debt इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ आप अधिक debt इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप चाहे कम डेट इस्तेमाल कर रहे हैं या अधिक डेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो सेम है, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो सेम है, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आपका इंटरेस्ट का रेट जो है वो नहीं बढ़ रहा, कॉन्स्टेंट सेम है। लेकिन जैसे जैसे आप कॉस्ट ऑफ डेट अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही वैसे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप डेट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज करती जा रही है। देखिए कम डेट पर आपका इक्विटी की कॉस्ट कम है, लेकिन जहां पर आप अधिक डेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है
वो बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा रिस्क लग रहा है, जिस वजह से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज कर गई। सो अधिक डेट इस्तेमाल करने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है। ओके जी, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो फायदा हमें डेट को इस्तेमाल करने से हो रहा था उसका फायदा जो है वो कट रहा है बढ़ती हुई इक्विटी की कॉस्ट के साथ। दिस इज द ग्राफ अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो थर्ड थ्योरी इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बीच का रास्ता है। दिस इज द मिडवे, बीच का रास्ता। ये दोनों थ्योरीज के बीच का रास्ता निकालती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर आप डेट का उचित इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है के जीरो वो कम हो जाती है और आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज हो जाती है अगर आप एक हद तक डेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इस पॉइंट तक, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट तक अगर आप डेट का इस्तेमाल करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अधिकतम हो जाएगी। अधिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो न्यूनतम हो जाएगी, न्यूनतम सबसे कम हो जाएगी, और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो अधिकतम हो जाएगी अगर आप एक हद तक डेट का इस्तेमाल करते हैं। रीजनेबल लिमिट ऑफ डेट, एक हद तक ऐसा होगा कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती चली जाएगी इस पॉइंट तक। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। इस पॉइंट तक ऐसा होगा कि जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाएंगे आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती चली जाएगी और फर्म की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फिर ये पॉइंट आएगा सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट आएगा सेकेंड स्टेज। ये पॉइंट ऐसा है जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होते होते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होते होते सबसे कम पर पहुंच जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ते बढ़ते सबसे अधिक हो जाएगी। इस पॉइंट को आप कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? जहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होती है और वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे अधिक होती है। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जैसे जैसे आप डेट का इस्तेमाल बढ़ाते हैं आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगी और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ने की बजाय कम होने लगेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको डेट का इस्तेमाल करना है लेकिन एक हद तक करना है, और अगर आप एक हद तक डेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर पाएंगे और वैल्यू को बढ़ा पाएंगे। लेकिन एक हद के बाद, इस हद के बाद अगर आप डेट का अधिक इस्तेमाल करने लगेंगे तो जो कॉस्ट है वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगी और जो वैल्यू है वो बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम देखें जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके तीन स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है कि अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज को इंक्रीज करते हैं, डेट इक्विटी की रेशियो को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आप डेट का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं, डेट का इस्तेमाल जैसे जैसे आप अधिक करते हैं वैसे वैसे आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है के जीरो वो डिक्रीज होता रहता है और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो बढ़ जाती है। फिर आता है आपका दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज एक ऐसा पॉइंट है
जहां पर अगर आप डेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उसका असर अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर पड़ना बंद हो जाता है। यहां पर अगर आप डेट का इस्तेमाल अधिक करते हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगी, प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा और वैल्यू ऑफ द फर्म भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी, इस पॉइंट को आप कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। दिस पॉइंट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे कम पहुंच चुकी है और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो सबसे अधिक हो चुकी है। अब इससे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज क्या कहता है कि अगर आप इससे भी ज्यादा डेट का इस्तेमाल करेंगे तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अब वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहां पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, सो क्या कौन कौन से थ्री स्टेजेस हैं? फर्स्ट स्टेज, जैसे जैसे आप डेट का इस्तेमाल अधिक करेंगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो डेट की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि वो सबसे कम कॉस्ट है, सबसे कम कॉस्ट है, इसलिए अब यहाँ इस पॉइंट पर जो कॉस्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना बंद हो जाएगा और जो फर्म की वैल्यू है वो सबसे अधिक आ चुकी है, अधिकतम हो चुकी है, इससे ज्यादा फर्म की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इस पॉइंट को आप कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। और उसके बाद आपका थर्ड स्टेज आएगा कि इस पॉइंट से अधिक अगर आप अपने डेट का इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो फर्म की वैल्यू है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। सो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। आइए ट्रेडिशनल अप्रोच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एंड वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिग्री ऑफ लेवरेज। डिग्री ऑफ लेवरेज का मतलब अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप डेट का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या अधिक कर रहे हैं। दिस इज डिग्री ऑफ लेवरेज। हमें बात करनी है थ्री स्टेजेस की। आइए सबसे पहले फर्स्ट स्टेज देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है फर्स्ट स्टेज में जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट है। यहां तक हम फर्स्ट स्टेज ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज कि जैसे जैसे आप डेट का इस्तेमाल अधिक करना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होने लगेगी। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अब आया आपका सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होने लगेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होने लगेगी क्योंकि जैसे जैसे आप डेट का इस्तेमाल बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको खतरा बढ़ने लगेगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। और जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे न्यूनतम पर पहुंच जाएगी। न्यूनतम पर पहुंचकर वो कांस्टेंट हो जाएगी। दिस इज योर सेकेंड स्टेज। फिर आपका थर्ड स्टेज आएगा। और थर्ड स्टेज में क्या होगा
कि जैसे जैसे आप डेट का इस्तेमाल अधिक करेंगे, वैसे वैसे जो डेट ओनर्स हैं, जिन्होंने डेट दिया है, वो उनका रिस्क भी बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट का रेट भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़ ही रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़ ही रही है, सबसे अधिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है डेट के इस्तेमाल के साथ साथ। और इसके साथ ही क्योंकि ये दोनों बढ़ रहे हैं, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगा। दिस इज द ग्राफ। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज। दिस इज द सेकेंड स्टेज एंड दिस इज द थर्ड स्टेज। रिकैप कर ले, फर्स्ट स्टेज में क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कॉन्स्टेंट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कॉन्स्टेंट है। जैसे जैसे आप डेट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती चली जाएगी क्योंकि आप डेट का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं। फिर आपका सेकेंड स्टेज आता है, ये वो हद है जहां पर, ये वो हद है, दिस इज नोन एज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। बात कर चुके हैं, दिस स्टेज इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इस स्टेज पर आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अधिकतम हो चुकी है, अधिकतम, और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म अधिकतम हो चुकी है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो न्यूनतम जा चुकी है। लेकिन इससे अधिक अगर आप डेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होने लगेगी और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो गिरने लगेगी। देन कम्स योर लास्ट अप्रोच, विच इज नोन एज मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच, जिसे आप MM अप्रोच भी कहते हैं। जो MM अप्रोच है वो भी यही कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का असर जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर नहीं पड़ता। दिस इज अगेन इररेलीवेंस थ्योरी। इररेलीवेंस थ्योरी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में कोई संबंध नहीं है। आप डेट अधिक इस्तेमाल करें या आप डेट कम इस्तेमाल करें, ना इसका प्रभाव फर्म की वैल्यू पर पड़ेगा और ना ही इसका प्रभाव ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर पड़ेगा। दिस इज नोन एज MM अप्रोच। अब MM अप्रोच में हम बात करेंगे दो चीजों की, MM अप्रोच विदाउट टैक्सेस एंड MM अप्रोच विद टैक्सेस। सो अगर हम बात करें MM अप्रोच विदाउट टैक्सेस, ये एक तरह से आपको पता है किसके जैसी लगेगी, सिमिलर टू NOI अप्रोच, आपको NOI अप्रोच की तरह लगेगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह लगेगी। क्यों? क्योंकि NOI अप्रोच क्या कहती थी कि जैसे ही आप डेट का इस्तेमाल अधिक करेंगे, वैसे वैसे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लो कॉस्ट ऑफ डेट है उसका असर बढ़ती हुई इक्विटी की कॉस्ट के साथ कट जाएगा। यही बात करी थी हमने, वही चीज MM अप्रोच में प्रूव की गई है। तो MM अप्रोच में क्या है कि जैसे ही आप डेट का इस्तेमाल अधिक करेंगे, वैसे ही जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, आप जैसे ही डेट का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से जो आपको कम कॉस्ट ऑफ फंड से जो बेनिफिट मिल रहा था वो ऑफसेट हो जाएगा, उसका प्रभाव जो है वो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा बढ़ती हुई इक्विटी की कॉस्ट के साथ, जिस वजह से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगी, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब MM अप्रोच विद टैक्सेस, टैक्सेस के साथ अगर हम बात करें तो MM अप्रोच क्या कहती है कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज होगी,
अब वो कह रहा है कि जो विथ टैक्सेस है फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा जहां पर टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। जहां पर टैक्सेस होते हैं वहां पर आपको टैक्स सेविंग होती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल है। जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से सब्ट्रैक्ट होता है, जिस वजह से आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। और जहां पर टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं वहां पर आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट अगर हम दो फर्म्स की बात करें, एक फर्म जो कि लिवर्ड फर्म है और दूसरी फर्म जो कि अनलिवर्ड फर्म है। मैम, लिवर्ड फर्म क्या होता है? लिवर्ड फर्म है वो फर्म वह फर्म जो डेट का इस्तेमाल करती है। और अनलिवर्ड फर्म कौन सी है? वह फर्म जो डेट का इस्तेमाल नहीं करती। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म है BL, जो फर्म डेट का इस्तेमाल करती है, उसका अमाउंट किसके इक्वल होगा? वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म VU, अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग्स। दिस इज द इक्वेशन अंडर MM अप्रोच विद टैक्सेस। तो MM अप्रोच विद टैक्सेस आप किस बारे में बात करती है कि हाँ जी, जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म है वो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट के इक्वल हो जाएगी। रिकैप करते हैं। वी हैव फोर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। द फर्स्ट वन इज नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडिगलियानी एंड मिलर अप्रोच। जो फर्स्ट टू थ्योरीज है, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दीज आर एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, दीज आर रेलिवेंस थ्योरीज। दीज आर रेलिवेंस थ्योरीज। ये थ्योरीज कहती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रभाव फर्म की वैल्यू पर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर पड़ता है। लेकिन जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और MM अप्रोच है, दीज आर इररेलीवेंस थ्योरीज। दीज आर इररेलीवेंस थ्योरीज। और ये थ्योरीज कहती हैं कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर को, आप डेट को चाहे इंक्रीज कर लें चाहे कम कर लें, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। किस पर कोई प्रभाव नहीं? वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं। और ये थ्योरीज कहती हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर प्रभाव पड़ेगा। किसका? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस का। That's all for current session. Keep revising, keep enjoying, and don't forget to subscribe, share, and like. Thank you.